तो दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आज है एपिसोड सेकंड, और आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बेसिक डेटा टाइप्स के, कई डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, इनका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है पहले एपिसोड में। आज है सेकेंड एपिसोड और मैंने आपको बताया था बेसिक डेटा टाइप्स के यहाँ पे कई सारे प्रकार, जिसमें मैंने इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स का एपिसोड वन में आपको सारा कुछ कर दिया। मैंने कहा था स्ट्रिंग, ट्यूपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट का हम एपिसोड सेकेंड में बहुत ही डिटेल से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ट्यूपल्स, स्ट्रिंग, सेट, लिस्ट, डिक्शनरी का हम यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और डेटा टाइप के बारे में। और लगभग आपका सारा जिस प्रकार का डेटा टाइप होता है पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़त्म होने वाला है। चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग पाइथन में कहते किसको हैं? स्ट्रिंग, चूँकि आप स्ट्रिंग समझ रहे होंगे तो स्ट्रिंग देखिए यहाँ पे परिभाषा डिफिनेशन लिखी भी है। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लोज विद इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि स्ट्रिंग हम उसको कहते हैं यानी कि वेरिएबल के अंतर्गत वो डेटा जो सिंगल कोट के अंतर्गत लिखा हो, ठीक है ना, इसमें स्मॉल ब्रैकेट भी होता है, सिंगल कोट के अंतर्गत लिखा हो या फिर डबल कोट के अंदर लिखा हो या फिर ट्रिपल कोट के अंदर लिखा हो। स्ट्रिंग जो होती है उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये मोटी मोटी बात हो गई। स्ट्रिंग हम किसको कहेंगे? चलिए यहाँ पे कोडिंग पे बात करते हैं क्योंकि बात कोडिंग की चल रही है, कोडिंग में ही बात करना ठीक रहता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग हम एक बनाते हैं, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग हम बनाएंगे और स्ट्रिंग कैसे बनती है, जब हमें यहाँ पे इसके अंतर्गत सिंगल कोट आप रख सकते हो, ठीक है ना, सिंगल ना रखो तो डबल रख सकते हो, डबल ना रखो तो आप ट्रिपल भी रख सकते हो। ये इस तरह से जो स्ट्रिंग हमारी बनती है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है ना, स्ट्रिंग टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंतर्गत जो हम डाटा भी लिखेंगे वो भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप ही रखूँगा। तो चलिए यहाँ पे एक डेटा लिख देते हैं कि ट्रस्टेड इंडियन इज फेमस बेस्ट यूट्यूब चैनल इन इंडिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग के अंतर्गत हमने एक स्ट्रिंग ही लिख दी। क्या मैंने किया, मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया। आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंतर्गत एक हमने स्ट्रिंग रख दी, जिसको ये स्ट्रिंग तभी कह जाएगी, अभी मैंने इसमें जो है डबल कोट, सिंगल कोट या फिर ट्रिपल कोट नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे अपने मन मुताबिक डबल कोट का लगा देता हूँ। तो अब ये मेरी स्ट्रिंग बन गई। अब आप कहोगे क्या सबूत है कि ये स्ट्रिंग बन गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइप जांचना है ना। तो मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया है टाइप इसका कैसे देखते हैं। हम लगाएंगे प्रिंट, लिखेंगे टाइप, टाइप लिखने के बाद अब जो वेरिएबल है उसको लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो इसको मैंने क्लोज किया और फाइनली मैं क्या करूँगा, आल्ट प्रेस रखूँगा, एंटर बटन दाबूँगा और ये हमारा यहाँ पे टाइप लिख कर आ गया कि जो ये स्ट्रिंग मैंने बनाई है इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का है। अब इस स्ट्रिंग में भाई कई सारे हम यहाँ पे ऑपरेशन करने वाले हैं, यानी कि स्ट्रिंग को हम पूरी तरह से ये देखेंगे कि स्ट्रिंग में किस तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए मैंने मेथड्स भी लिखी हैं जिनको हम मेथड्स कहते हैं, ठीक है ना। ये मेथड्स क्या करती हैं कि स्ट्रिंग को पूरी तरह से उसका ऑपरेशन कराया जाएगा, मतलब कैसे कि मतलब उसको तोड़ें मरोड़ें कैसे किया जाएगा, ये सारा चीज़ आपको मालूम पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेथड्स हम दो लगाते हैं, इसमें हम यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे। अब मेथड इसमें क्या निकल, अब मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग एक लिखी हुई है, इस स्ट्रिंग में मुझे कोई एक स्पेसिफिक जो एलिमेंट है वो बाहर चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट निकालना है, जैसे मान लीजिए ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड का मुझे डी बाहर चाहिए प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गिनना पड़ेगा कि ट्रस्टेड का जो डी है वो कितने पर आता है, कितनी मतलब कितने नंबर पर आता है। तो आपको गणना कैसे स्टार्ट करनी है, काउंट कैसे करना है, जीरो से स्टार्ट करना है ना कि एक से स्टार्ट करना है। ये चीज़ आप अपना याद रखिएगा। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो जीरो से मैंने स्टार्ट किया, जीरो पे टी था, एक पर आर था, दो पर यू था, तीन पर एस था, टी फोर पर था, ई फाइव पर था, डी सिक्स पर है।
तो ट्रस्टेड में जो डी है वो 6 नंबर पर है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे 6। तो ये देखिएगा डी प्रिंट कर देगा, तो देखिए इसने डी प्रिंट कर दी, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, डी मेरी प्रिंट कर दी। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को आप बाहर प्रिंट करा सकते हो, कोई भी एक लेटर को। अब सपोज कीजिए इसमें से मुझे यहाँ पे उल्टे साइड से कुछ निकालना हो, जैसे मान लीजिए मुझे इंडिया का आई निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, आपको यहाँ पे फिर वही गणना करनी है। इस बार जो आपको गणना यहाँ पे करनी है वो उल्टे तरफ से गिननी है। तो मैं इंडिया का जो आई है वो है कितने नंबर पर, 0 1, एक पर है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस एफ की 1 करूँगा, तो ये उल्टी तरफ से भी प्रिंट कर देगा, कोई स्पेसिफिक लेटर आदि आपको स्ट्रिंग से बाहर पाना हो तो। यहाँ पे स्क्वायर लगाता हूँ, और आई जो है वो कितने पर है, देखिए 0 पर ए है और 1 नंबर पर आई है। तो -1 मैं लिखूंगा, -1 मैंने किया क्योंकि मैं उल्टा काउंट काउंट कर रहा हूँ, इसलिए माइनस लिखा जाएगा। वही मैंने फिर किया, और देखिए जो जो हमारा ए है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उल्टा ऑपरेशन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से सारी कुछ चीज़ें की जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तीसरी मेथड के बारे में। तो तीसरी मेथड यहाँ पे है, मान लीजिए इस स्ट्रिंग का मुझे यहाँ पे कुछ अंदर से कुछ पार्ट बाहर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे पार्ट इसका कुछ अधिक बाहर चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ बाहर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा, स्ट्रिंग लिखूँगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग लिख करके वही ब्रैकेट हमने लगा देने हैं स्क्वायर वाले, और यहाँ पे जो भी पार्ट मुझे बाहर चाहिए तो उसको आप गिन लीजिएगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे जो ये इंडेक्स कहलाता है, ये जो चीज़ें होती हैं जैसे ना, जैसे ट्रस्ट में जो ट्रस्टेड में जो टी है, वो टी जो है वो कितने पर है, टी जो है वो 0 पर है, ठीक है ना। तो इसको इंडेक्स वैल्यू हम कहते हैं। तो मान लीजिए जो पूरी स्ट्रिंग लिखी है इसमें कई सारी इंडेक्स होंगी, इंडेक्स पर कुछ उसकी वैल्यू मतलब उसमें डेटा लिखा है। तो जो डी था हमारा वो 6 नंबर के इंडेक्स पर था डी। तो इसी तरह से हम यहाँ पे मान लीजिए एक वैल्यू प्रिंट कराते हैं कि 0 से 6 के बीच में जो भी डेटा है वो हमारा प्रिंट कर दो, 0 से 6 इंडेक्स के बीच में जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा हो वो प्रिंट हो जाए। तो देख लीजिए 0 से 6 के बीच में ही यहाँ पे चीज़ें प्रिंट हो चुकी हैं। जैसे आप देख लीजिए ट्रस्टी यानी कि इतना जो ये प्रिंट हुआ है ना, ये देख लीजिए 0 से 6 के बीच में ही है, ठीक ना। ट्रस्टेड का ट्रस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया है, 0 से 6 इंडेक्स के बीच का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से प्रिंट किया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड ये है कि मान लीजिए इसमें आपको एक तरीके से और प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए इसको मुझे इसे प्रिंट करना है कि इसको मान लीजिए, तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो आप देख लीजिए, फार्मूला जिसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो उसका जो सिंटैक्स है वो आप देख लीजिए, बाकी आप सब कर ही लोगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पे देखिए स्टार्ट लगाना है, स्टॉप लगाना है, और स्टेप ओवर यानी कि कितने बाद आपको वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये जो है इसका सिंटैक्स है, क्या है इसका, ये इसका सिंटेक्स है प्रिंट करने का, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ। तो अभी मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे स्टार्ट करना है कि 6 इंडेक्स से स्टार्ट हो, किससे, 6 इंडेक्स से स्टार्ट हो, और ये जो वैल्यू जो प्रिंट हो कहाँ तक स्ट्रिंग में प्रिंट हो उसकी भी हमें इंडेक्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ 18वीं इंडेक्स तक जाए, ठीक ना। वो मुझे नहीं पता यहाँ पे स्ट्रिंग में 18वीं इंडेक्स, उसको गिनोगे तब खुद ही पता चलेगा। अब मैं जो तीसरा यहाँ पे वैल्यू आपको रखना है वो ये रखना है कि आपको कितने बाद चाहिए, एक एक छोड़ करके चाहिए या फिर दो दो मतलब ओड चाहिए या इवन चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि दो दो छोड़ छोड़ कर क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट में 2 लिख दूंगा, और ये जो फिर क्या होगा देख लीजिए अब ऑटोमेटिक अभी प्रिंट हो जाएगा। सॉरी अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देता हूँ वरना यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेरिएबल मैं लिखा ही नहीं हूँ, तो वेरिएबल मैंने जैसे ही लिखा, और यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो भी मैंने नहीं लगाए हैं तो वो भी लगा देता हूँ, और अब मैं इसे प्रिंट करूँगा। अब देखिएगा, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो जो 6 से 18वें इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग में नंबर था, 6 से 18वें इंडेक्स पर जो लेटर था उसके बीच में जो दो दो पर आता था
वो चीज़ वहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, बाकी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुई है। तो इस तरह से आप इस जो सिंटैक्स है उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए इसी सिंटैक्स का यूज करके मैं इसको उल्टा गंगा बहा दूंगा। कैसे देखो, तो मान लीजिए मुझे इसको उल्टा प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना है, तो देखिए प्रिंट लिख देना है। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए वो वाला ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पे ये दो लगा देने हैं इस तरह से, जो रेशियो वाले होते हैं, ठीक ना। और उसके बाद जो लास्ट में आपको स्टेप ओवर में करना है वो -1 कर देना है। जब देखिए यहाँ पे आप कुछ लिखोगे नहीं तो वो 0 मान लिया जाता है, ठीक है ना। ये बेसिक आप पता रखो कि यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना। तो लास्ट में स्टेप ओवर में मैंने कर दिया -1, तो देखिए ये पूरा उल्टा प्रिंट कर देगा। तो देख लीजिए ट्रस्टेड इंडियन इज अ फेमस यूट्यूब चैनल इन इंडिया को उसने उल्टा प्रिंट कर दिया। ये सिर्फ हमने एक सिंटैक्स का यूज़ किया। किस सिंटैक्स का यूज़ किया, ये इसी वाली सिंटैक्स का मैंने यूज किया है। बस इसमें जो स्टार्ट और स्टॉप में मैंने कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब 0 हो जाता है, स्टेप ओवर में मैंने -1 कर दिया तो ये उल्टी गंगा बह गई, मतलब उल्टा चीज़ इसमें लिख जाता है। तो ये एक तरीका होता है, मेथड्स होती हैं, स्ट्रिंग का ऑपरेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको और तरीके से हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसकी लेंथ जाननी है स्ट्रिंग में, तो लेंथ भी इसकी पता कर सकते हो आप। बस सिंपल सा एक ऑपरेशन आपको चलाना है, आपको लिख लेना है प्रिंट और लिख देना है लेन, LEN लेन, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम दे देना है, जो भी आपकी स्ट्रिंग आपने बनाई हो। मैंने तो स्ट्रिंग जो वेरिएबल है उसी को नाम, वेरिएबल का नाम ही स्ट्रिंग मैंने रख दिया है ताकि आपको समझ आए। तो चलिए यहाँ पे लेन इसकी पता कर लेते हैं। तो 56 इंडेक्स वैल्यू है इसमें एक स्ट्रिंग में जो मैंने बनाई है, ट्रस्टेड इंडियन जो फेमस यूट्यूब चैनल इन इंडिया। इसकी जो लेंथ है वो 56 कैरेक्टर इसमें है, ठीक है ना। तो ये लेंथ भी पता चल जाती है आपको। बात कर लेते हैं इसको मुझे अगर छोटा लिखना हो, जैसे ट्रस्टेड इंडियन जो फेमस यूट्यूब चैनल इंडिया जो है, इसको मुझे छोटा छोटा कर देना है, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखना है। तो इसके लिए भी बस एक सिंपल सा ऑपरेशन चलाना है। तो ये देखिए वैसे लिख जाएगा स्ट्रिंग, आपको चले जाना है लोअर कर देना है, ठीक है ना, लोअर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने स्ट्रिंग डॉट लोअर और दो स्मॉल ब्रैकेट बनाए इस तरह से, आपका ऑपरेशन जैसे ही आप लोअर में चलाओगे तो ये आपका ट्रस्टेड इंडियन इज अ फेमस यूट्यूब चैनल इन इंडिया जो है स्मॉल कैप लेटर में सारा प्रिंट हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसे बड़े लेटर में लिखना हो, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना हो, तो आपको सिंपल सा फिर एक ऑपरेशन चला देना है और आपको लिख देना है वेरिएबल का नाम और डॉट इस बार कर देना है लोअर से अपर। अब देखिए पूरा स्मॉल लेटर में बन जाएगा कि जो हमारा स्ट्रिंग होगा, देखिएगा, देख लीजिए आपके सामने ट्रस्टेड इंडियन इज अ फेमस यूट्यूब चैनल इन इंडिया जो है बड़े बड़े लेटर में लिख चुका है। तो इस तरह से आप ऑपरेशन कर सकते हो। और भी मेथड देख लेते हैं, सारी मेथड्स मैंने लिख रखी हैं, इनके PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे भी नोट्स इसके उठा सकते हो। अब एक और हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए इसमें मुझे कुछ रिप्लेस करना है, रिप्लेस, तो उसको भी यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ट्रस्टेड इंडियन जो है इंडियन की जगह पे नहीं, इज की जगह पे आर कर देना है, तो आपको क्या करना है, प्रिंट और सिंपल सा आपको स्ट्रिंग लिख देना है, उसके बाद सिंपल सा लिख देना है रिप्लेस, और आपको किससे क्या रिप्लेस करना है वो चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। तो मैं यहाँ पे इज लिखूँगा और इज को रिप्लेस करूँगा आर से, तो आर यहाँ पे लिख देता हूँ, आर मैंने लिख दिया। मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग जो वेरिएबल था वो मैंने लिखा, स्ट्रिंग डॉट लगाया, डॉट रिप्लेस लगाया, फिर कौन सी वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, मुझे इज को आर से रिप्लेस करना है। तो मैंने पहले इज को स्ट्रिंग बनाया, डबल सिंगल कोट लगा करके, सब सिंगल लगाओ, डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, तो स्ट्रिंग ही कहा जाता है। उसके बाद मैंने आर लिख दिया, यानी कि इज को आर से बदल दो, तो देखिएगा ये बदल भी देगा। तो इस तरह से देख लीजिए इसने जो है इज की जगह अब आर कर दिया। ट्रस्टेड इंडियन आर ए फेमस यूट्यूब चैनल, फेमस ए बेस्ट यूट्यूब चैनल इन इंडिया, है ना, बदल दिया इसने आर से, रिप्लेस कर दिया। इस तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हो। अब मान लीजिए इसमें मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि जो ट्रस्टेड इंडियन नीचे फेमस यूट्यूब चैनल में जो फेमस वर्ड है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको मुझे काउंट यहाँ पे करना है। सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस एक ऑपरेशन चला देना है, स्ट्रिंग डॉट काउंट, और यहाँ पे आपको लिख देना है जो भी आपको काउंट करना हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जानना है कि फेमस वर्ड कितनी बार यहाँ पे स्ट्रिंग जो है, फेमस स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग है, देखिए जो स्ट्रिंग होती है वो पूरी स्ट्रिंग कहलाती है, जो उसके अंदर का जो एलिमेंट तरह तरह के होते हैं जिससे स्ट्रिंग बनती है उसको हम सब
स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो एक भी स्किप मत कीजिए, सारी पार्ट तो यहाँ पे देख लीजिए। स्ट्रिंग डॉट काउंट, जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑपरेशन चलाया तो ऑटोमेटिक इसने बता दिया काउंट करके कि जो फेमस वर्ड है वो जो स्ट्रिंग थी उसमें जो फेमस वर्ड है वो एक ही बार यूज हुआ है, तो उसने ऑटोमेटिक बता दिया डॉट काउंट, और मैंने वो वर्ड लिख दिया जो मुझे पता करना था कि कितनी बार स्ट्रिंग में यूज हुआ है। इस तरह से ये भी डॉट काउंट फंक्शन आपने देख लिया कैसे यूज किया जाता है। अब हम पता करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कोई स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो कितने नंबर पर है, तो इसका देखिए कैसे पता करेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पे पता करना है, तो यहाँ पे आपको कैसे पता करना है, स्ट्रिंग डॉट फाइंड लगा देना है, और मुझे मान लीजिए यहाँ पे पता करना है कि जो ये फेमस में जो एफ है वो कितने इंडेक्स पर है। पहला तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गिनो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन दूसरा आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप गिनो ना, आप काउंट ना करो, ये फंक्शन एक चला दो, आपको बता देगा कि एफ जो है इस ट्रस्टेड इंडियन जो फेमस यूट्यूब चैनल इन इंडिया में एफ जो है कितने इंडेक्स पर है। तो आपको देखिए बता देगा, कैसे बताएगा, देखिए स्ट्रिंग सबसे पहले वेरिएबल लिखो स्ट्रिंग, फिर लगाओ एक फंक्शन चलाओ डॉट फाइंड, और यहाँ पे लगा देना है आपको, और मुझे क्या पता चलना करना है एफ। तो देखिए मैंने एफ लिखा और इसको मैं जैसे ही रन किया इसने बता दिया कि जो एफ है इस स्ट्रिंग में वो 20वें नंबर की इंडेक्स पर आता है, तो इसने ऑटोमेटिक बता दिया। नेक्स्ट एंड फाइनल जो स्ट्रिंग का ऑपरेशन है वो बचा है। अब बचा है स्ट्रिंग में हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग क्या होती है, हमने वीडियो एडिटिंग जब की होगी आपको पता होगा स्प्लिटिंग क्या होती है। स्प्लिटिंग दरअसल ये होती है कि कोई एक मान लीजिए स्ट्रिंग है उसको बीच बीच से तोड़ देना, उसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं, कट कर देना, जिसको हम स्लाइसिंग भी कहते हैं, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो स्प्लिट हम करेंगे, सिंपल सा आपको एक ऑपरेशन चला देना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। अब आपको स्प्लिट यहाँ पे कहाँ से तोड़ना है, तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे ट्रस्टेड इंडियन जो फेमस यूट्यूब चैनल इन इंडिया में जहाँ जहाँ पे आई है उसको तोड़ देना है। तो कैसे तोड़ोगे, तो यहाँ पे देखिए आई जो है मैंने वो एक स्ट्रिंग के अंतर्गत रखी है। स्ट्रिंग आपको कैसे बनानी है, सिंगल कोट डबल कोट या ट्रिपल कोट, ऐसे बन जाती है स्ट्रिंग हमारी। तो देखिए आई से यहाँ पे टूट जाएगा, तो आप देख लीजिए जो ट्रस्टेड इंडियन जो फेमस यूट्यूब चैनल इन इंडिया जो है वो आई आई से टूट चुका है, देख लीजिए टूट गया है पूरा, स्प्लिट हो गया है, कट हो गया है, स्लाइस हो गया है। तो इस तरह से ये जो सारे फंक्शन है मैंने आपको एक स्ट्रिंग की पूरा ऑपरेशन कैसे किया जाता है बताया। नेक्स्ट डेटा टाइप हम देख लेते हैं, वो है ट्यूपल्स। ट्यूपल्स क्या होते हैं, ट्यूपल्स इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड विद इन स्मॉल ब्रैकेट। ट्यूपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते जिस तरह से आपने स्ट्रिंग में चेंज किए, ये इम्यूटेबल होते हैं। और ये इनको जो इनका जो टाइप होता है वो इस तरह के ब्रैकेट के अंतर्गत ट्यूपल जो है लिखे जाते हैं। तो ट्यूपल देख लेते हैं, सबसे पहले तो ट्यूपल बनाते हैं, और तो यहाँ पे ट्यूपल सबसे पहले तो ये सारा कुछ बवाल हटा देते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक ट्यूपल बनाते हैं, उसको देखते हैं, उसके टाइप चेक करते हैं, ट्यूपल बना भी है या फिर ऐसे ही। तो ट्यूपल हमने एक वेरिएबल बनाया ट्यूपल, और इसके अंतर्गत हम जो डाटा लिखेंगे वो डाटा कैसे लिखेंगे, ट्यूपल वाला, ताकि ट्यूपल लगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20, इसके अंतर्गत देखिए ऑर्डर एलिमेंट्स रख सकते हो यानी कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक हम स्ट्रिंग भी ले लेते हैं लगे यहाँ, तो सबको मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका हम जरा टाइप चेक करते हैं कि ट्यूपल बना भी है या फिर ऐसे ही। तो आपको प्रिंट वही स्टेटमेंट यूज करनी है जो कर रहे हैं। तो टाइप टाइप किसका जानना है, किस वेरिएबल का जानना है, ट्यूपल, ठीक है ना। तो अभी देखिए लिख के आ जाएगा, तो ये जो है क्लास जो इसने बताई है वो ट्यूपल बताई है, वाकई में एक ट्यूपल ही है क्योंकि इसको जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत रखा गया है और ये ट्यूपल है। अब इसमें ट्यूपल में तरह तरह के ऑपरेशन करके देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो ट्यूपल में सबसे पहले तो वही ऑपरेशन कर लेते हैं जो स्ट्रिंग में किए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट और ट्यूपल, और मान लीजिए यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू जो है कोई मतलब इंडेक्स, जैसे यहाँ पे देख लीजिए जो 20 है वो 0 इंडेक्स का है, ट्रू जो है वो 1 इंडेक्स पर है, शरद जो है वो 3rd इंडेक्स पर है। तो यहाँ पे मुझे कौन सी इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो सिंपल से आप प्रिंट कर लीजिए। तो चलिए मैं ट्रू को प्रिंट कर लेता हूँ, तो ट्रू जो है कितने इंडेक्स पर है,
जीरो से स्टार्ट होता है, ये चीज़ याद रखना। पाइथन में कोई भी चीज़ ट्रू जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पर है, बस आल्ट दबाना है, एंटर दबा देना, बस प्रिंट हो गया, ट्रू आ गया। और इसी तरह से चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे उल्टे तरफ से प्रिंट करना है, तो इसको उल्टे तरफ से भी आप कर सकते हो, बस आपको एक यहाँ पे ट्यूपल लिख देना है, वही चीज़ है सारी कुछ, बस उल्टे तरफ से करना है। तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देना है, तो माइनस वन मैं लगा देता हूँ। माइनस वन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया तो उसने सरद प्रिंट कर दिया। देखिए अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जब उल्टे तरफ से आप गिनोगे, तो आपने यही चीज़ स्ट्रिंग में भी देखी होती होगी कि जीरो से नहीं काउंट होता है। जब सीधे तरफ से काउंट करोगे तो जीरो से स्टार्ट करना, जब उल्टे तरफ से काउंट करोगे यानी कि माइनस से स्टार्ट करोगे तो याद रखना कि एक से स्टार्ट करना। ये चीज़ याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा, फंक्शन सही बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, वही देखिए ऑपरेशन दोनों हैं, तो फटाफट अभी हम देख लेते हैं जो स्ट्रिंग में लगा कर आए हैं। कि मान लीजिए इसमें मुझे कोई 20 से कुछ किसको निकालना है, तो सिंपल सा लगाओ, जैसे मान लीजिए जीरो से तीन, जीरो से दो के बीच में जो है वो प्रिंट हो जाए। अब बताइए जीरो इंडेक्स पर 20 है और दो इंडेक्स पर सरद है, उसके बीच में क्या है, ट्रू है, वही प्रिंट हो जाएगा। देख लीजिएगा अभी प्रिंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा यदि मैंने यहाँ पे ट्यूपल ना लिखा, तो उसको लिख देते हैं पहले ट्यूपल। और यहाँ पे आप देखिएगा प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसने जीरो और दो के बीच में जो था वो प्रिंट कर दिया 20, और ट्रू को ये जीरो को भी ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे दो को नहीं लिया है क्योंकि वो लास्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि इसको मान लीजिए ऐसे प्रिंट करना है, तो इसको थोड़ा हम ट्यूपल को थोड़ा लंबा होकर खींच लेते हैं। नेक्स्ट हम ट्यूपल बना लेते हैं जिसको थोड़ा ट्यूपी वन नाम से हमने एक नेक्स्ट ट्यूपल बनाया, जिसको थोड़ा हम लंबा रखेंगे जानबूझ के, क्योंकि सारी कुछ चीज़ें इसमें हो जाएं। तो इसको ऐसे हम रख देते हैं, तो इसको मैं इसे और इसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मैं रख देता हूँ, ताकि इसमें एक ऑपरेशन मुझे चलाना है और उसके लिए काफ़ी लंबा थोड़ा ट्यूपल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अब इसको प्रिंट कर देता हूँ ट्यूपी वन को, ट्यूपी वन को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो ट्यूपल जो है वो प्रिंट होगा, हो गया है 20-25 ट्रू 800 सरद। अब इसमें मुझे यहाँ पे जो है वही वाला स्टेटमेंट यूज करना है, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप ओवर वाला। तो प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ट्यूपल लिख देता हूँ, उसके बाद वही ब्रेकर लगा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, अब मुझे किस किस इंडेक्स के बीच में प्रिंट करना है, सबसे पहले तो ये पता करना है किस किस इंडेक्स के बीच में चाहिए। तो मुझे चाहिए जीरो से तीन, नहीं फोर्थ इंडेक्स के बीच में चाहिए, जीरो से फोर्थ इंडेक्स के बीच में ये ऑपरेशन चलेगा, यानी कि जीरो से स्टार्टिंग होगी, फोर्थ पे स्टॉप होगा, और उसके बीच में जो हमें चलाना है एक एक छोड़कर चलाना है, यानी कि ओड ओड इंडेक्स पर जो हो वो चाहिए, कि इवन इवन इंडेक्स पर हो, यानी कि सम सम पे हो वो चाहिए, या विषम विषम पर हो वो चाहिए। तो आपको इस हिसाब से लगा देना है। यदि आपको ओड ओड चाहिए, यानी कि इतने छोड़ छोड़ कर चाहिए, कि एक एक छोड़ करके चाहिए, कि दो दो छोड़ के चाहिए, कि तीन तीन छोड़ करके चाहिए, ये लगाना है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि मुझे एक एक छोड़ करके चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो है ये, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है, तो ट्यूपल मैं कर देता हूँ, स्पेलिंग गलत थी। तो यहाँ पे देखिए इसने प्रिंट कर दिया 20 ट्रू सरद। तो इस तरह से जो है ये प्रिंट करता है। आप इसको करके देखिएगा, इस ट्राई कीजिएगा, इसके जो सिंटैक्स है मैंने स्ट्रिंग वाले में लिखा दिया है, स्टार्ट रेशियो स्टॉप रेशियो स्टेप ओवर, इस तरह से इसको करके देखिएगा आप, ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेंथ मान लीजिए मुझे किसी ट्यूपल की पता करनी है, तो लेंथ वही लगेगा चीज़, ठीक है ना, जैसे मैंने स्ट्रिंग में किया, तो जल्दी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ट्यूपल और यहाँ पे लेंथ मुझे पता करनी है, तो प्रिंट और ट्यूपल ट्यूपी वन की हमें पता करनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जो है हमने ट्यूपल बनाया था ट्यूपी वन को, और इसमें थोड़ा हम एक बार अगेन, तो इसको हम कट कर देते हैं और दोबारा बना देते हैं जल्दी से। ट्यूपी वन इज इक्वल टू, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, और उसको रिवर्स में चला करके देख लेना,
स्टॉप स्टार्ट वाले को माइनस वन बस आखिरी में लगा देना, और जो दो रेशियो से रोके उसमें कुछ मत रखना, जो जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम प्रिंट कर देते हैं TUP1 को, तो TUP1 अब प्रिंट हो गया 2500 से ट्रू सरद। अब मान लीजिए इसकी मुझे लेंथ पता करनी है, तो लेंथ और लेंथ प्रिंट कर देता हूँ सबसे पहले, तो प्रिंट लेंथ और कौन सा वेरिएबल है, TUP1 है, TUP1 प्रिंट, तो लेंथ निकल आई कि जो TUP1 के अंतर्गत जो एलिमेंट है वो 4 एलिमेंट है। और इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से आपको लेंथ, अब अच्छा इसी में एक चीज़ और ध्यान देना कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम भी आप पता कर सकते हो ट्यूपल में। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे पता करूँगा, तो मिनिमम मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो एक ट्यूपल बनाता हूँ जिसमें सिर्फ जो इंटीजर हो वही सिर्फ रखे गए हों। तो मैं यहाँ पे एक TUP2 नाम से एक ट्यूपल बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ रखूँगा जिससे मैं मैक्सिमम मिनिमम पता हो पाए। तो यहाँ पे मैं तो अब यहाँ पे देखिएगा प्रिंट मैं कर देता हूँ TUP2 नाम के। अब इसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम भी पता कर लोगे। TUP2 को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, देखिए प्रिंट किया मैंने 2500 15 20 आ चुका है। अब मुझे पता करना है कि TUP2 जो है ट्यूपल इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मैं प्रिंट मिनिमम का मिन लिखेंगे, MIN बस आपको लिखना है, और जो ट्यूपल है जो वेरिएबल है उसका नाम और प्रिंट। तो देख लीजिए 15 इसमें सबसे छोटा है, मिनिमम है। अब यही आप मैक्सिमम फंक्शन फंक्शन भी लगा सकते हो, तो मैक्स कर दो मैक्स, और TUP2 में ऑपरेशन चलाना है TUP2 में, तो देखिए मैक्स भी आ गया कि 100 इसमें सबसे बड़ी है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, मिनिमम मैक्स हो गया, बात करते हैं इसमें काउंट करने की और इंडेक्स पता करने की। तो यहाँ पे हम काउंट भी देख लेते हैं कि काउंट इसमें कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे काउंट करना है, प्रिंट TUP डॉट काउंट, मुझे यहाँ पे पता करना है कि जो 2500 15, तो यहाँ पे मैं TUP2 कर देता हूँ क्योंकि TUP2 में ही वो वैल्यू है, ठीक है ना, TUP2 में ही मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे काउंट करना है कि 25 कितनी बार इस TUP2 में था, 25 कितनी बार TUP2 में था, तो एक ही बार था। आप देख लीजिए आपके सामने ये बताएगा कि 25 कितनी बार था, तो 25, तो उसने देखिए बता दिया है कि TUP2 में 25 एक बार आया है, और सही में एक ही बार आया है डॉट काउंट। और आपको वो नंबर लिख देना है जो आपको इंटीजर चाहिए हो, पता करनी हो, जिसको काउंट करना, जिसको गिनना हो। अब यहाँ पे हम इंडेक्स पता करेंगे, देखिए इंडेक्स भी यहाँ पे पता कर सकते हो किसी की भी ट्यूपल की कि कितने इंडेक्स पे वो है, ठीक है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। तो प्रिंट और वही चीज़ चला देनी है, वही ऑपरेशन TUP2, ये हमारा वेरिएबल है, डॉट इंडेक्स पता करनी है, तो इस बार डॉट इंडेक्स और किसकी पता करनी है, हमें चाहिए 15 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, तो 15 लिख दो और रन करा दो। तो बता दिया इसने कि दूसरे इंडेक्स पर है, सही में दूसरे पर है। ध्यान दीजिए 25 जो है वो 0 पर है, 100 2 1 पर है, 15 2 पर है, ठीक है ना, इसे गिनो 0 से, जब उल्टे चलेंगे तब हम 1 से गिनेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं कि हमें यहाँ पे इसको मान लीजिए कई गुना हमें मल्टीप्लाई कर देना है कि TUP जो है ये 75 बार, ये जितने बार, तो इसमें बस एक फंक्शन आपको चलाना है इसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, यानी कि गुणा करने के लिए। तो आपको क्या करना है, TUP2, तो TUP2 ये देखिए वेरिएबल मैंने बनाया, अब इसको कितनी बार आपको गुणा करना है वो लिख दीजिए। मान लीजिए मुझे 5 बार इसको TUP2 को प्रिंट करना है, तो देख लीजिए 5 बार ऑपरेशन चल गया। अब यहीं पर मान लीजिए आपने 2 ट्यूपल बनाए, TUP1 बनाया और जिसमें आपने वैल्यू रखी 5 10 15 20, 5 10 15 20। नेक्स्ट हमने एक ट्यूपल बनाया TUP2, और इसमें मैंने TUP3 बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि TUP2 बन चुका है, और इसमें मैंने वैल्यू रखूंगा अब इसमें 10 20 30, 10 20 30, ठीक है ना, इस तरह से देखिए मैंने वैल्यू रख दी, एलिमेंट्स रख दिए। अब मैं प्रिंट करूँ, अब मैं दोनों को TUP1 TUP3 को कैसे जोड़ूंगा, सिंपल सा है, TUP1 यानी कि TUP1 प्लस TUP3, बस
प्रिंट देख ही लीजिए, जो ट्यूपल वन में जो वैल्यू थी, ट्यूपल थ्री में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई और दोनों जुड़ गई। इस तरह से ट्यूपल पर भी कई तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये आपको ट्यूपल बताया। तीसरा चीज़ यहाँ पे ले लेते हैं लिस्ट। लिस्ट लिस्ट को समझिए ध्यान से। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इंक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान दीजिएगा, ट्यूपल में स्मॉल ब्रैकेट था, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है। और लिस्ट जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, यानी कि इसमें लिस्ट में चेंज किए जा सकते हैं। चलिए एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि कोडिंग चल रही है तो कोडिंग में ही बात करना ठीक रहता है। तो लिस्ट एक बनाते हैं, लिस्ट तो मैं नाम ही लिख देता हूँ वेरिएबल का, लिस्ट का ही कन्फ्यूजन रहे। तो इसमें हम लिस्ट में चलिए वैल्यू रख देता हूँ। इसमें देखिए ट्रू और स्ट्रिंग भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ यही इंटीजर्स लूँगा ताकि ठीक रहे। 22, 44, 88, 110, ठीक ना। तो और भी ले लेते हैं 250। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स ले लिए और मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद रखा है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसका टाइप ही पता कर लेता हूँ कि लिस्ट है भी या ऐसे। तो लिस्ट टाइप, तो ये देखिए इसने बता दिया जो उसकी क्लास है वो लिस्ट है। तो लिस्ट में अब हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, उसका भी पूरी तरह से इसका खोज करेंगे कि क्या इसे क्या इसमें होता है। तो लिस्ट में सबसे पहले तो ऑपरेशन हम चलाएंगे यहाँ पे जीरो, मतलब इसकी वही चीज़ है जो चीज़ में हम देखते आ रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू और -1 इंडेक्स पर कौन सा, ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो और वही है लगभग जो सेम मैं स्ट्रिंग में करते आया, जो ट्यूपल में करते आया और जो अभी लिस्ट में करेंगे। तो सबसे पहला काम प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट। अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे जीरो इंडेक्स पर कौन है। तो देखिए इसने बता दिया 22 है जीरो इंडेक्स पर। अब मैं कर देता हूँ कि लास्ट से देखता हूँ कि लास्ट से -1 पे कौन है। तो लिस्ट और -1, तो ये जो ब्रैकेट है वो बड़े ब्रैकेट रहने चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने उसमें भी किया है लिस्ट और ट्यूपल, सॉरी स्ट्रिंग और ट्यूपल में। तो देखिए -1, यानी कि देखिए उल्टी तरफ से जो गिनने स्टार्ट किया तो 2580 -1 इंडेक्स पर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं इसका बीच का कुछ पार्ट अगर हमें निकालना हो, तो सिंपल सा प्रिंट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट। अब कितने के बीच में चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 से 5वीं इंडेक्स के बीच में जो भी हो माल पानी वो निकल आए बाहर। तो देख लीजिए प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू किसी स्पेसिफिक चीज़ पर चाहिए, देखिए कैसे, ये दरअसल मैं सब में कर चुका हूँ, वही है सिंटैक्स इसका, वही लगेगा। स्टार्ट रेशियो, स्टॉप रेशियो, स्टेप ओवर, कितना के बाद चाहिए। तो सबसे पहले तो लिस्ट, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि किस कहाँ से स्टार्ट हो। तो मान लो मैंने स्टार्ट किया है कि 1 से स्टार्ट हो, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो, और किस इंडेक्स तक ये ऑपरेशन चलेगा वो लिख दीजिए। कि मान लीजिए मुझे 5th इंडेक्स तक ये ऑपरेशन चले, और इसमें जो वैल्यू प्रिंट हो इसके अंतर्गत वो कितने कितने छोड़ के हो प्रिंट, तो वो लिख देना है मुझे। मान लीजिए एक एक छोड़ कर प्रिंट करना है, तो देख लीजिए प्रिंट हो गया, उतने के ही अंदर उतनी उतनी वैल्यू छोड़ के। तो सिंटैक्स इसका क्या था, सिंटैक्स ये था स्टार्ट, मैंने स्ट्रिंग वाले में बताया हुआ है, सिंटैक्स वहीं पे लिखा है, स्टार्ट रेशियो, स्टॉप रेशियो, स्टेप ओवर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसी सिंटैक्स का मुझे यूज करके, यही स्टार्ट स्टॉप और स्टेप ओवर का यूज करके मैं इसको इस लिस्ट को उल्टा कर सकता हूँ, देखिए कैसे। तो इसमें बस मैंने स्ट्रिंग में बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं चलिए बता देता हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसके बीच जब कोई वैल्यू ना लिखी हो तो समझ लो कि जीरो है, मैं यहाँ पे बस माइनस कर दूंगा एक, और ये देखिए लिस्ट हमारी उल्टी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये लिस्ट में चार ऑपरेशन हमने किए। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसमें मान लीजिए मुझे कोई चेंज करना है, चूंकि लिस्ट म्यूटेबल है तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें कोई नया एलिमेंट अंदर डालना है तो कैसे पड़ेगा, देखो प्रिंट और यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे कितने इंडेक्स पर कौन सा नंबर हमें डालना है। मान लीजिए मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर अभी तक क्या था, 44 था। अब मैं यहाँ पे 44 की जगह 88 चाहता हूँ, 88 नहीं 100 चाहता हूँ। तो देख लीजिए लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स पर 100 मैंने बराबर कर दिया, और ये इसे 100 पहुँचा देगा। तो लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो यहाँ पे जो है
कुछ गड़बड़ हो रहा है इसका सिंटैक्स। तो अगेन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो लिस्ट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट इंडेक्स पर चाहिए का 100 चाहिए, और इसको आगे बढ़ाता हूँ, प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, लिस्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए जो है 100 हमारा प्रिंट हो चुका है। अच्छा उस समय क्यों नहीं हो रहा था, उसके पीछे रीज़न ये था कि जो मैंने है ना वो प्रिंट मैंने एक ही लाइन में कर दिया था, जबकि जब इस तरह से ना आंसर है तो ये ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि ना आ सकता है जब आप प्रिंट और लिस्ट कोई चेंज करने वाले हो एक ही लाइन में जब घुसड़ दोगे तो फिर यही होगा, तो इसलिए नहीं आया था, आप देखिए प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कोई भी लिस्ट में चेंज कर सकते हो किसी भी एलिमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ध्यान रखना। और यहाँ पे अपेंड, अपेंड का ऑपरेशन और पॉप का ऑपरेशन चला लेता हूँ। अपेंड का मतलब ये है कि इसमें कोई नई वैल्यू आप अंदर इंसर्ट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे कोई नई वैल्यू मैं इसमें अंदर ऐड कर सकता हूँ, जैसे मान लीजिए 88 मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो उसको भी लगा सकता हूँ। अब प्रिंट मैं करूँगा लिस्ट को, अब मैं इसी तरह से करूँगा ताकि दोबारा एरर उस तरह का ना आए। तो देख लीजिए लास्ट में 88 अपेंड हो चुका है, यानी कि नया एलिमेंट लिस्ट में जुड़ चुका है। अब यहाँ पे मैं पॉप करूँगा, पॉप का मतलब पॉप हुआ वाला नहीं है, तो लिस्ट डॉट पॉप, ये POP लगाया, और यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है प्रिंट कर दूँगा। पॉप का मतलब ये होता है लास्ट का एक एलिमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा ये फंक्शन रन होगा, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी 88 जो ऐड किया था वो हट चुका है। आप मान लीजिए इसमें कोई आपको स्पेसिफिक वैल्यू हटानी हो वो भी हटा सकते हो, लिस्ट डॉट आपको मान लीजिए 200 हटाना है, मुझे यहाँ से 200 गायब करना है, सिंपल लगाओ वही फंक्शन पॉप, और यहाँ पे अंदर रख दो 200, और प्रिंट कर दो लिस्ट को, लिस्ट आल्ट एंटर और लिस्ट डॉट पॉप। तो यहाँ पे इस तरह से जो है एरर आ चुका है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि 200 इंडेक्स। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कितनी इंडेक्स पर है शायद का उससे हो, हाँ तो हो गया, देख लीजिए कि इसमें ये होता है पॉप में, मान लीजिए कोई इंडेक्स पे आप भी आपको मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे दो से दूसरी इंडेक्स, तो 88 था दूसरी इंडेक्स पे, उसको मुझे गायब करना, तो उसकी इंडेक्स जो है पॉप के अंतर्गत रखनी है, तो इंडेक्स दूसरे नंबर पर था तो मैंने दूसरा यहाँ पे पॉप जो है 2 जो इंडेक्स है वैल्यू वो मैंने लिखी, और फाइनली 88 से ने हटा दिया, यानी कि 2 इंडेक्स पर 88 था उसने हटा दिया, और हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से किया जाता है। रिवर्स लगाना है, रिवर्स तो रियर्स, रिवर्स का मतलब ये होता है इसको उल्टा प्रिंट कर देना है, तो लिस्ट लिस्ट डॉट रिवर्स, और बस इसको प्रिंट, और ये हमारे जो लिस्ट होगी वो उल्टी हो जाएगी। तो लिस्ट देख लीजिए हमारी जो लिस्ट है वो उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। ये रिवर्स फंक्शन यूज करता है, इस तरह से काम करता है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई एनवे इंडेक्स पर कुछ मुझे इंसर्ट करना है, वो भी आप कर सकते हो, इंसर्ट कुछ करना है तो लिस्ट पे मान लीजिए मुझे इसमें लिस्ट डॉट इंसर्ट, कितनी इंडेक्स पर आपको क्या इंसर्ट करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे दूसरी इंडेक्स पर इंसर्ट करना है 5000, दूसरी इंडेक्स पर 5000 इंसर्ट करना है, तो वो कर दिया, प्रिंट कर दो लिस्ट को, क्लोज किया ब्रैकेट, और देख लीजिए इसने 5000 हमारा दूसरी इंडेक्स पर इंसर्ट कर दिया फटाफट। इस तरह से कोई भी लिस्ट में एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट हो गया, आप सॉर्ट भी कर सकते हो, सॉर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें आप कायदे से लगा सकते हो, जैसे देखो लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो सब असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे, ठीक है। और प्रिंट लिस्ट लिस्ट, तो देखिए इसने जो है सब एक क्रमिक ऑर्डर रूप में लगा दिए,
भाई 100, 110, 200, यानी कि कूड़ा कबाड़ा नहीं फैला है, सब एकदम लाइन से लगा दिए सॉर्ट ने। तो सॉर्ट फंक्शन इस तरह से काम करता है, डॉट सॉर्ट और दो स्मॉल ब्रैकेट, तो सॉर्ट फंक्शन काम करता है। अब मान लीजिए कोई मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें एक्सटेंड करना है दूसरी लिस्ट को, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए दो लिस्ट बना लेते हैं और फिर उसको दोनों को जोड़ते हैं, वो तरीका भी सीख लेते हैं। तो दो लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1, इसमें हम कुछ एलिमेंट रखे हैं, 25, 50, 75, 100, 125। पहली लिस्ट बनाई, दूसरी लिस्ट, लिस्ट 2, अब इसमें हम कुछ एलिमेंट्स रख देते हैं, इसमें 21 का रख देते हैं, 21, 42, 63, 84, 105। तो ये मैंने दो लिस्ट बनाई। अब क्या करना है, इस लिस्ट को मुझे दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेंगे, वही वाला सिंटैक्स है जहाँ का यूज करो, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। और प्रिंट किसको करना है, लिस्ट 1 को। तो दोनों चीजें ही जुड़ जाएंगी, देखना। लिस्ट 1 वेरिएबल लिखा, फाइनली देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट सामने है, दोनों चीज़ें जुड़ चुकी हैं, 25, 50, 75, 100, 125, 121, 142, 163, 84, 105। तो सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। फंक्शन हमने, सॉरी, ऑपरेटर हमने क्या यूज़ किया, ऑपरेशन हमने क्या लगाया, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड स्मॉल ब्रैकेट में लिस्ट 2, प्रिंट हमने किया लिस्ट 1 को और दोनों चीज़ें जुड़ गई। इस तरह से कोई दो लिस्ट को जोड़ा जा सकता है। अब मान लीजिए लिस्ट को में आपने जितने भी एलिमेंट लिखे हैं उनको अगर जोड़ना हो तब क्या करोगे, सिंपल सा एक उठाओ ऑपरेटर, वो यूज कर लो, सम लिस्ट। तो सम लिखो अंदर, लिस्ट मतलब जो वेरिएबल है वो बनाया वो लिख दो, प्रिंट कर दो लिस्ट को, सम बस यूज करना है, प्रिंट कर सम लिस्ट। अभी मैं इस सारा कुछ हटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है, वरना ये गड़बड़ कर देगा। तो मैंने सारा कुछ हटा दिया, दोबारा लिस्ट बना लेता हूँ, 25, 100, 75, 150। अब बात कर लेते हैं सम की, अब मान लीजिए मुझे लिस्ट के अंदर का सारे कुछ जो भी चीज़ें हैं सबको जोड़ना है, तो सम लिस्ट और प्रिंट कर देना है लिस्ट को। तो ये जो है ये जोड़ देता है लिस्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं उनको सबको जोड़ देता है। तो अभी ये पता नहीं क्यों नहीं जोड़ रहा है, लेकिन इसमें शायद कुछ गड़बड़ हो चुकी हो, तो आप ट्राई कीजिएगा। अभी मैं लाइव शूट कर रहा हूँ तो अभी मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उन्हें ट्राई कीजिएगा, लिस्ट डॉट काउंट, तो लिस्ट डॉट काउंट फंक्शन का भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो लिस्ट डॉट काउंट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, ये किस काम आता है, दरअसल वही है जो अभी स्ट्रिंग ट्यूपल में बता के आया हूँ। तो यहाँ पे कुछ को मुझे काउंट करना है कि कितनी बार यूज हुआ, मान लीजिए मुझे पता करना है कि 25 कितनी बार आया है इस लिस्ट में, तो एक बार आया है, सच में कई बार आया है, तो ये काउंट फंक्शन। अब मुझे मान लीजिए लेंथ पता करनी है इस लिस्ट की, तो लेंथ भी यहाँ पे पता कर सकते हो, लेंथ लिस्ट की, प्रिंट प्रिंट लिस्ट, प्रिंट प्रिंट का आर। तो जो लेंथ है वो लिस्ट की अभी आ जाएगी, तो प्रिंट लिस्ट की जो लेंथ है चार आ गई है, ठीक है। लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं, चार एलिमेंट हैं, तो लेंथ निकल आई। और बात कर लेते हैं कि मिनिमम लिस्ट में क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, तो उसका भी यूज कर लियो, प्रिंट लिस्ट
पे मिनिमम यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू भी पता हो चुकी है कि लिस्ट में मिनिमम वैल्यू क्या है। सिंपल से आपको मिन और लिस्ट ये फंक्शन चला देना, आप सामने देख सकते हो। ठीक है, ये ऑपरेटर यदि आप चलाओगे ऑपरेशन करोगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू जो लिस्ट में होगी वो भी पता चल जाएगी। इसी तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू भी पता कर सकते हो। सिंपल सा वही चीज़ करना है, मैक्स और यहाँ पर लिस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 150 मैक्सिमम वैल्यू। तो एक बार और जोड़ कर देख लेते हैं कि लिस्ट को सारा कुछ एलिमेंट जितने भी हैं तो उसको सम ऑपरेशन चला करके देख लेते हैं होता है या नहीं होता अभी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट रखा और यहाँ पे देख लीजिए सम ऑपरेशन चल गया। उस समय गड़बड़ क्या हो रही थी मैं आपको बता देता हूँ। वो दरअसल मैं दो लाइनों में कर रहा था, दो लाइनों में नहीं एक ही लाइन में, जब ये ऑपरेशन चलेगा तब ये ऐड होगा और यहाँ पे देख लीजिए जोड़ हो चुका है। फाइनली सारा कुछ आपके सामने हो गया। अब मान लीजिए पूरी लिस्ट के अंतर्गत जितने एलिमेंट है सबको मुझे हटा देना है, वो भी कर सकते हो। क्लियर कर दो सबको, प्रिंट प्रिंट लिस्ट डॉट क्लियर और दो स्मॉल ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। तो देख लीजिए ये प्रिंट हो चुका है, तो इसमें नन आया है, इसलिए आया क्योंकि इसको मैं डबल लाइन में इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिस्ट डॉट क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए इसने जब ये नन बताया तो समझ जाओ कि दो लाइनों में काम बनेगा। तो प्रिंट लिस्ट, तो देख लीजिए ब्रैकेट हमारा खाली हो चुका है, नन कोई आंसर नहीं होता है, ब्रैकेट खाली होना चाहिए। ठीक है ना, जिसको हम नल सेट कहते हैं। ठीक है ना, रिक्त खाली। तो यहाँ पे हमने लिस्ट में जितने ऑपरेशन थे वो सारे चलाए, स्ट्रिंग कवर कर ली, ट्यूपल कवर कर लिया, बचा है डिक्शनरी और सेट। तो डिक्शनरी किसको कहते हैं, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स इनक्लोज विद इन इस तरह के जो ब्रैकेट होते हैं, इसको हिंदी में मजला ब्रैकेट कहते हैं, तो इस तरह से इंग्लिश में मुझे पता नहीं, हालांकि भी देख लूँगा। तो डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल होता है, इसमें आप चेंज कर सकते हो, इस तरह का ब्रैकेट लगता है। ठीक है ना, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश का मुझे पता नहीं। तो डिक्शनरी में जो इस तरह के ब्रैकेट यूज होते हैं, देख लेते हैं एक डिक्शनरी बनाते हैं। ये वो वाली डिक्शनरी नहीं है जो आप पढ़ते होगे, ये दूसरी तरह की डिक्शनरी होती है। तो एक डिक्शनरी नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे मैं दो ब्रैकेट देखिए वही वाले लगा लिए हैं। इसमें देखिए की वैल्यू होती हैं, की और वैल्यू का यहाँ पे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बनाया एप्पल बनाया, ठीक है ना, और ये एप्पल जो है ये चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपको की रखनी है वो एक ऐसा रखना है डेटा टाइप जिसमें चेंज ना हो, यानी कि इम्यूटेबल हो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी आप रख सकते हो की में, जैसे मैंने एप्पल रखा है तो ये स्ट्रिंग है। आप यहाँ पे कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता है, वो लिटरल्स होता है जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप कोई नंबर भी रख सकते थे एप्पल की जगह पर, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको किसी प्रकार का डेटाबेस अलाउ करती है। तो वैल्यू चलिए यहाँ पे रख लेते हैं कि 500 एप्पल 500, और एक और मैं यहाँ पे की ले लेते हैं ऑरेंज, और इसमें वैल्यू हम रख देते हैं 1000। एक और हम डेटा बना लेते हैं, और एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें कामा लगा देना है, कामा। ठीक है, चलो दो ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब प्रिंट करते हैं। सबसे पहले तो डेट टाइप चेक कर लेते हैं, डिक्शनरी है भी या नहीं। डिक्शनरी, तो ये वेरिएबल मैंने रखा, अब प्रिंट किया, देख लीजिए डिक्शनरी ने बता दिया। अब इस डिक्शनरी में हम तरह तरह के ऑपरेशन करेंगे, जैसे मैं इसमें मान लीजिए मुझे की निकालनी है तो की भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो डिक्शनरी, तो यहाँ पे डिक्शनरी डॉट कीज, और यहाँ पे प्रिंट करनी है डिक्शनरी, और यहाँ पे डिक्शनरी देखिए ये जो की है हमारी यहाँ पे निकल आती हैं। ठीक है, कीज निकल आती हैं और वैल्यूज भी यहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इसे मैं कट कर देता हूँ। तो देखिए इसने की निकाल दी, ठीक है ना, ये एक ही लाइन में ऑपरेशन चलेगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट की बात करते हैं वैल्यू। यदि मान लीजिए समय से आपको वैल्यू निकालनी है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी जगह पे आपको वैल्यूज कर देना है बस, और ये आपकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो।